जानिए देश के सबसे अमीर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का क्या है रहस्य, आखिर क्यों आज भी सातवें तहखाने का दरवाजा नहीं खुला। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नई दिल्ली केरल के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी के प्रबंध और अधिकार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखने का आदेश सुनाया है। साथ ही कहा है कि शासक की मृत्यु के बावजूद पद्मनाभ स्वामी मंदिर में त्रावणकोर परिवार का अधिकार जारी रहेगा। बता दें कि 31 जनवरी 2011 को केरल हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार माना जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। मंदिर के पास 2,00,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है। यही नहीं, मंदिर को लेकर लोग अलग अलग तरह के रहस्य भी हैं, जिस पर यह आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। मंदिर के सातवें दरवाजे के पीछे माना जाता है कि भारी खजाना है, लेकिन आज तक कई वजहों के चलते इस दरवाजे को खोला नहीं जा सका। यह मंदिर काफी प्राचीन है और देश भर में काफी लोकप्रिय है। माना जाता है कि यह मंदिर तकरीबन 5,000 वर्ष पुराना है, लेकिन इस बात से कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। इतिहासकार डॉक्टर एलआर रवि वर्मा का कहना है कि जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी, तभी से यह मंदिर के ढांचे को देखा जा रहा है, लेकिन इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी के त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। 1750 में महाराजा मातंड वर्मा ने खुद को इस मंदिर के दास घोषित किया था और पूरा राजघराना इस मंदिर की सेवा के सबसे जुटा हुआ था। आज भी वही शाही राजघराना इस मंदिर की देखरेख एक प्राइवेट ट्रस्ट के तहत करता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और कहा जाता है कि इस मंदिर के भीतर अकुल संपत्ति छिपा कर रखी गई थी, ताकि जब कभी जरूरत पड़े तो यह लोगों के काम आ सके। मंदिर में कुल 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने में जाने के लिए एक दरवाजा है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की गिनती में 6 दरवाजे को खोला जा चुका है, जिसमें कुल मिलाकर 1,00,000 करोड़ तक की संपत्ति मिल चुकी है, जिसमें सोने चांदी हीरे के आभूषण है। इस पूरी संपत्ति को मंदिर के ट्रस्ट में रखा गया है। 7वां दरवाजा आज तक नहीं खुला। अभी तक मंदिर के सातवें तहखाने के दरवाजे क्यों नहीं खोला गया है? इस मंदिर पर नाग की आकृति खुदी हुई है। माना जाता है कि इस आकृति को देखने के बाद इस दरवाजे को खोलने की प्रक्रिया को रोक दिया गया। ऐसी मान्यता है कि इस तहखाने की रक्षा खुद भगवान विष्णु कर रहे हैं, वह नाग के अवतार में इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, लिहाजा इस दरवाजे को खोलने से कोई बड़ी आपदा नहीं आ पड़ेगी। दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा चुकी है जान। मंदिर के सातवें दरवाजे को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की। पीपी सुंदर राजन को इसको लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद मंदिर के दरवाजे को खोलने का फैसला हुआ, लेकिन अचानक से सुंदर राजन की मृत्यु हो गई। हालांकि परिवार का कहना है कि अधिक मानव तनाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन लोगों का मानना है यह दरवाजे के श्राप की वजह से हुआ। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने पहली बार दावा किया था कि इस तहखाने के अंदर अपूर्व संपत्ति हो सकती है, लिहाजा इस इतने भव्य और अमीर मंदिर को खोलने देखभाल करने के लिए मंदिर ट्रस्ट उपलब्ध नहीं है और वह तरीके देखभाल नहीं कर सकते हैं। मंदिर के सातवें दरवाजे को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की है। टीपी सुंदर राजन ने इसको लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद मंदिर के दरवाजे को खोलने का फैसला हुआ, लेकिन अचानक से सुंदर राजन की मृत्यु हो गई। हालांकि परिवार का कहना है कि अधिक मानसिक तनाव के कारण उनकी मृत्यु हुई, लेकिन लोगों का मानना है यह दरवाजे के श्राप की वजह से हुआ है। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने पहली बार दावा किया था इस तहखाने के अंदर अकूप संपत्ति हो सकती है, लिहाजा इतने भव्य और अमीर मंदिर की देखभाल करने के लिए मंदिर ट्रस्ट उपयुक्त नहीं है और वही इसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। सातवें दरवाजे का रहस्य, अभी तक जो 6 तहखाने खोले गए हैं उसमें से तकरीबन $20 बिलियन की संपत्ति मिली है, जिसमें आभूषण, हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के, बर्तन आदि शामिल हैं। हालांकि इस संपत्ति का सही आकलन नहीं लगाया जा सकता है। लोगों का मांग है कि इस संपत्ति का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी कह चुके हैं कि आपातकाल में मंदिरों में सोने का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि उनके इस बयान पर काफी विवाद हुआ था और लोगों का कहना था कि अन्य धर्म की संपत्ति का भी इस्तेमाल करना चाहिए। नाग करते हैं रक्षा, इस मंदिर को लेकर इतिहासकार और सैलानी एमिली हैच ने एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है उन्होंने दावा किया कि जब 1931 में मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने के चारों ओर घेर लिया था। यही इससे पहले 1908 में भी यह हो चुका है, जिसके बाद यह सवाल लगातार उठता रहा कि इस मंदिर के तहखाने में वाकई में संपत्ति है या फिर इसमें सांपों का डेरा है। मंत्र से बंधा दरवाजा,
ऐसी मान्यता है कि सातवें तहखाने के दरवाजे को नाग परामर्श जैसी किसी मंत्र से बांधा गया है और यही वजह है कि इसे गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। लेकिन गरुड़ मंत्र इतनी मुश्किल है कि इसका उच्चारण काफी कठिन है, लिहाजा उच्चारण में किसी भी तरह की चूक होने पर जान तक जा सकती है, जिसके चलते इस दरवाजे को खोलने की अभी तक कोशिश नहीं की गई है। अहम बात यह है कि इस दरवाजे को बंद करने के लिए किसी भी तरह के नट बोल्ट, ताला, जंजीर, सांकड़ आदि का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसे में यह दरवाजा कैसे अब तक बंद है, यह रहस्य का विषय है। मान्यता है कि सदियों पहले इस दरवाजे को कुछ खास मंत्रोच्चारों से खोला गया था।